पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा को माह के नाम से जाना जाता है, जैसे कार्तिक माह की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। इस दिन गरीब लोगों को दान करने से जातक को कभी भी अन्न और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ गलतियों को करने से जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की उपासना करें। अन्न धन और वस्त्र का दान करें। मान्यता है कि दान करने से अन्न और धन से भंडार भरे रहते हैं। दिन में भजन कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक दीपक दान करना चाहिए। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को पानी में कच्चा दूध मिलाकर अर्घ देना शुभ माना जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी का बर्तन या दूध दान नहीं करना चाहिए। इस शुभ दिन पर कमरे में अंधेरा नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखें, घर को गंदा ना रखें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का वास साफ जगह पर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।